नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। भाजपा सरकार में विकास ठप हो गया। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो लगातार विकास हो रहा था। भाजपा की सरकार बनते ही विकास ठप हो गया है। भाजपा केवल सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रही है। बेरोजगारों और नौजवानों के हित में कुछ नहीं सूझ रहा है। वो केवल सत्ता में काबिज करने के लिए वाजिब व गैर वाजिब हथकंडे अपना रही है। भाजपा सरकार हर मुद्दे पर विफल हो गई है। किसान आत्महत्या कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री लगातार देश के बेरोजगार नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। यह विचार सीतापुर समाजवादी पार्टी के लहरपुर विधानसभा प्रभारी ज्ञानेंद्र वर्मा ने तम्बोर क्षेत्र के सनावा बेदौरा में एक जनसभा में रखे। सभा में समाजवादी पार्टी के विधानसभा सचिव व तम्बोर नगर पंचायत के पूर्व सभासद जावेद खान ने कहा कि योगी सरकार अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर चुकी है, लेकिन भाजपा के संकल्प पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हो सका है। सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा साबित हो रहा है। 2022 में एक बार फिर से अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सभास्थल पहुंचे। वहीं इस अवसर पर योगेंद्र प्रताप चौधरी, सुनील कुमार कश्यप, सर्वेश यादव, विनोद पांडे, जावेद खान, सुहेल अंसारी, जावेद असद समेत कई लोग मौजूद रहे। जिसका नाम मुलायम है कायम है, उसका नाम मुलायम। जिसका नाम मुलायम है उसका जलवा कायम है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ज्ञानेंद्र वो